नमस्कार बच्चों, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। रेलवे ने एक और तोहफा आप लोगों के लिए दिया है, जैसे ALP टेक्नीशियन और उसके बाद आपका ये RPF SI और कांस्टेबल के शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है। कब से फॉर्म फिल होगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इसमें जो मांगता है वो क्या होना चाहिए, ये पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी RPF SI और कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं, टीम परीक्षा प्लस इसके लिए एक सेपरेट बैच लेके आई है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। अभी ये ऑफर में बैच चल रहा है, ये 499 में आपको SI और कांस्टेबल दोनों की हम तैयारी आपको साथ साथ कराएंगे। तो इसमें कौन कौन से बच्चे भर सकते हैं, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, ठीक है, क्या चेंजेस हैं आपके यूपी कांस्टेबल जो आप लोग तैयारी कर रहे हो अभी, और RPF कांस्टेबल में क्या क्या आपके कहीं ना कहीं सिमिलरिटी हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, वो थोड़ा सा मैं क्लियर करूंगा। आगे एक वीडियो और लेके आऊंगा कि इसमें से बेटर या किसकी फैसिलिटी क्या हो सकती है, वो अलग से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। रेलवे की जॉब है, सुविधाएं आप जानते हो, सेंट्रल लेवल पे आपको जो भी मिलती है वही आपको जैसे बाकी रेलवे के एम्प्लॉय को मिलती है वैसे ही सुविधाएं आपको भी मिलेंगे। तो जो बच्चा वर्दी पाना चाहता है इस बार, तो वो इस बैच से जुड़ सकता है, RPF कॉन्स्टेबल SI 499 का। इसमें हम आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास पूरा नोट्स देंगे और इसके एग्जाम तक वैलिड रहेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं कि इसमें आपका जो सबसे पहला पद है वो है SI का। तो SI के पद के लिए कौन कौन से लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहली बात करें कि ग्रेजुएशन, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपको एजुकेशन क्या चाहिए SI के लिए। तो एजुकेशन आपको चाहिए कि आप ग्रेजुएट हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई परसेंटेज नहीं मांगता है, बस आप ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपके पास क्या होना चाहिए यहां पर कि एज, दूसरी बात आती है आपकी एज कितनी, कितने साल वाले लोग भर सकते हैं। इसका एज होता था 20 से 25 जैसा आप देख रहे हो, ठीक है, ये 2018 का नोटिफिकेशन की कटिंग है आपकी। अब यहां पर 3 साल का रिलैक्सेशन आपको दिया गया है, तो 25 से ये 28 हो जाएगा, मतलब अभी आपका इन जनरल बच्चों के लिए जो जनरल कास्ट में आते हो वो 20 से 28 3 साल का रिलेक्शन मिलने के बाद। अब ओबीसी के बच्चा जो होगा, ओबीसी को आपको 3 साल का रिलेक्शन मिलता है, तो अपर रेंज 8, 9, 10, 11 ये आपका 31 साल तक ये भर सकते हैं, है ना। और जो SC ST वाले बच्चे हैं उनको आपको कितने का एज रिलेक्शन, 5 साल का मिलता है, तो 28 और 5, 33 साल तक ये एज लिमिट, अपर एज लिमिट इनकी है, ये ध्यान रखिएगा। ओबीसी की 31 और SC ST की आपकी 33 साल तक वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये बाकी 3 साल तो वो मिला है, तो वो जनरल वाले आपके जो हैं वो 20 से 28 साल वाले यहाँ पर भर सकते हैं। अब उसके बाद से आते हैं क्या पर कि आपका फिजिकल मेजरमेंट क्या क्या होना चाहिए। बेस तो फिजिकल मेजरमेंट में आपके पास क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले जो SI के बच्चे हैं उनके लिए आपको हाइट जो चाहिए, वो हाइट आपकी अगर 165 सेंटीमीटर है और जो फीमेल कैंडिडेट है वो 157 सेंटीमीटर, तो ये आपको चाहिए। SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152, बाकी गढ़वालीज मराठास ये है तो उनके लिए 163 और 155 फीमेल के लिए चाहिए। यहां पर मेल के लिए आपका सिर्फ चेस्ट चाहिए 80, अनएक्सपेंडेड बिना फुलाए आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाना आपका कंपल्सरी है 5 सेंटीमीटर, तो फुलाने के बाद 5 आपका होना चाहिए, ठीक है, यही आपके SC ST में। फीमेल के लिए चेस्ट नहीं मांगता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये रिजर्वेशन वाला मैंने बता ही दिया, 5 साल आपको SC ST में और 3 साल आपका OBC को मिलता है, बाकी आपके जिस कैटेगरी में है फिजिकली हैंडीकैप उनमें आपको वो एज रिलैक्सेशन सेंट्रल वाला आपका मिलता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले आपका क्या होगा, आपका CBT एग्जाम होगा, CBT एग्जाम के बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है। इसके बाद से आपका क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ये स्टेप आपके होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, फिर आपकी DV होती है। तो आपका मेरिट इसी के बेस पर बनता है, CBT के बेस पर, बाकी ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं।
अब हम आते हैं यहां पर कि क्या क्या और आपको चाहिए, कि क्या एग्जाम पैटर्न क्या है आपका, एग्जाम पैटर्न आपके क्या क्या है जो आप पढ़ते हो उसी से रिलेटेड है। यहां जनरल अवेयरनेस का वेटेज ज्यादा होते हैं, 50 क्वेश्चन आपके होते हैं, 50 मार्क्स का होता है, और मैथ्स और रीजनिंग आपके 35-35 क्वेश्चन आपके होते हैं, टोटल 120 क्वेश्चन होता है, 90 मिनट में आपको करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। 120 मार्क्स होता है, 1/3 निगेटिव होता है इसमें, ठीक है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग आपकी होती है। इसके बाद से अगर हम बात करें कि जब आप रिटर्न दे लोगे तो रिटर्न देने के बाद आपका क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जो बाकी इन सब में यूपी कांस्टेबल में नहीं होता है लेकिन इनमें होता है, ठीक है, यूपीएसआई ओसआई में ये हाई जंप लॉन्ग जंप वाले नहीं होता, रनिंग होता है, तो यहां एसआई में आपका क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, ऐसे ही कांस्टेबल में भी होता है। ये 800 मीटर की रन है जो मेल कैंडिडेट को नहीं करना है, फीमेल कैंडिडेट को करना है, 4 मिनट में कवर करना होता है इनको, ठीक है। रनिंग के लिए कोई भी चांस नहीं दिया जाता है, बाकी ये लॉन्ग और जंप और हाई जंप में 2 चांस दिया जाता है, 2 चांस में आपको इतना करना पड़ता है क्वालिफाई करने के लिए। तो 1600 मीटर की जो रन होती है वो आपके मेल कैंडिडेट एसआई के लिए होती है, और ये 6:30 में आपको करना होता है। लॉन्ग जंप मेल के लिए 12 फिट की होती है, फीमेल के लिए 9 फिट की होती है, हाई जंप जो होती है 3 फिट 9 इंच का होता है मेल के लिए और फीमेल के लिए 3 फिट का होता है। इसके लिए आप, इन दोनों के लिए आपको 2 चांस दिए जाते हैं, 2 चांस में, और इसके लिए आप सिंगल दौड़ने लिए भेजा गया, नहीं कर पाओगे तो नहीं सेलेक्ट हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। बाकी ये हाइट वाला मैंने आपको बता ही दिया था। अब कांस्टेबल के लिए क्या चाहिए, तो कांस्टेबल के लिए आपके जो एजुकेशन चाहिए, इसके लिए आपका सिर्फ 10th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 10th अगर पास हो आप तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। एज क्या होनी चाहिए, एज इसकी 18 से अब 28 हो गई है, 3 साल रिलैक्सेशन, पहले 25 रहती थी, तो 3 साल ये कोविड के कारण जो रिलैक्सेशन दिया गया वो है। बाकी ओबीसी वाले को 3 साल का रिलैक्सेशन इसमें मिल जाएगा, और एससी एसटी वाले को 5 साल का रिलैक्सेशन, मतलब 33 साल, और ये 31 साल तक रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद से एज वाला कंफर्म हो गया आपको कांस्टेबल में, कांस्टेबल के में पेपर का पैटर्न क्या होगा, जो एसआई का पैटर्न होता है वही होगा, लेकिन थोड़ा सा पेपर इसका इजी रहेगा। अब जैसे रीजनिंग क्या होता है, एसआई और आपका अगर हम बात करें कांस्टेबल, ऑलमोस्ट एक बोल सकते हो कि 18 और 20 का रेशियो रहेगा, बाकी अर्थमेटिक में थोड़ा सा बदलाव रहेगा आपके मैथ्स में, जीएस का वेटेज यहां भी सेम है, जितना एसआई में है उतना ही कांस्टेबल में, मतलब एक ही तैयारी से आप कांस्टेबल और एसआई दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सिलेबस में और एग्जाम पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है, 120 क्वेश्चन होंगे आपके, 120 मार्क्स का होगा, 1/3 आपके निगेटिव होंगे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है इसमें आपके, अगर हम बात करें कांस्टेबल में, तो वो क्या होता है, मेल के लिए 1600 मीटर रन आपको करना पड़ेगा 5:45 में, और 800 मीटर रन आपको फीमेल को करना होता है कांस्टेबल में 3:40 में। लॉन्ग जंप जो होगा कांस्टेबल वालों को करना होगा 14 फिट का, और फीमेल को करना होगा 9 फिट का। हाई जंप जो होगा वो 4 फिट की होगी मेल की, और फीमेल की 3 फिट की होगी। आपको मैंने बताया इनके लिए 2 चांस दिए जाएंगे, और पहला वाला कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, और ये आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है। जब एफिशिएंसी पास करोगे तुरंत उसी दिन आपका मेजरमेंट भी होता है, कि आपकी हाइट कांस्टेबल के लिए 165 चाहिए और फीमेल के लिए 157 चाहिए, एससी एसटी के लिए 160 और फीमेल के लिए 152, बाकी मराठास डोगरास गढ़वालीज हैं तो इनके लिए 163 155 चाहिए। चेस्ट आपका मेल के लिए चाहिए 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है, 80 वैसे होना चाहिए बिना फुलाए, और फुला के आपका 85 जनरल का होना चाहिए, जनरल और ओबीसी। एससी एसटी के लिए थोड़ी छूट है, 76.2 बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 81.2 होना चाहिए। तो ये आपके पूरा का पूरा आपके आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल जो आपके 15 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 15 से, तो उसके लिए आपका जबरदस्त तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि आपका सिलेबस ऑलमोस्ट दोनों का जो है सेम है, आपका वही रीजनिंग वही जीएस वही मैथ आपके उसी के अकॉर्डिंग पूछी जाएंगी,
तो एक ही तीर से बोल सकते हैं ना, दो शिकार आप कर सकते हैं कि आप एसआईभी की तैयारी कर सकते हैं और कांस्टेबल की भी तैयारी कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आपको, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि फोटो कैसा होना चाहिए, क्योंकि कई बच्चे फोटो अलग अलग लगा देते हैं, कोई कलर्ड लगा देता है, कोई टोपी वाला लगा देता है। तो इसके लिए मैं डॉक्यूमेंटेशन की वीडियो अलग बना दूंगा कि आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, एससी एसटी का सर्टिफिकेट, ओबीसी का सर्टिफिकेट क्या क्या आपको चाहिए, आपके फोटोज कैसे होने चाहिए, कितने रिजोल्यूशन में होने चाहिए, वो सब मैं अलग से एक वीडियो डॉक्यूमेंट्स वाला आपको बना दूंगा। बाकी आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी दिक्कत हो, जो भी डाउट हो, आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर ये समस्या है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।